हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे जो ग्रामर की जो कड़ी चल रही है, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, उसका फोर्थ पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज और क्लॉज के बारे में। फ्रेंड्स, फ्रेज और क्लॉज, इसके पहले हमने थर्ड पार्ट में पढ़ाया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपने वो नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप आई वाले बटन में जाके क्लिक करें, उस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि फ्रेज क्लॉज पढ़ने के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है फ्रेज और क्लॉज। फ्रेंड्स, फ्रेज और क्लॉज डिस्कस करने के पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे और बहुत सारे बुक्स में भी पाएंगे कि फ्रेज और क्लॉज के कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, जिसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि फ्रेज के बारे में दिया गया है कि वो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलता है, और दूसरी ओर क्लॉज उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है। लेकिन अगर इस कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे जगह आते हैं जहां पर हम फंस सकते हैं। इसलिए उस प्रॉब्लम जो जो उन मेथड्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, उससे दूर हटके हम इसे थोड़े अलग ढंग से समझेंगे आज। तो पहले फ्रेज और क्लॉज को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, बिकॉज फ्रेज एंड क्लॉज बोथ दिस टॉपिक्स दीज आर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये दोनों जो है वो एक वाक्य के, एक सेंटेंस के हिस्से हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। सेंटेंस के बारे में भी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए, फ्रेज और क्लॉज को आज आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रेज, फ्रेज होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसा कि मैंने कहा, यह सेंटेंस का एक हिस्सा है। दैट डजंट हैव अ सब्जेक्ट डूइंग वर्ब। आपने बहुत जगह देखा होगा या पढ़ा होगा कि उसमें लिखा गया है या बोला गया है कि इसमें वर्ब नहीं होता है और सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये कंसेप्ट पूर्णतः 100% करेक्ट नहीं है। कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा कि वो वर्ब है, लेकिन वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए उसके पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर वर्ब कौन सा है। एक वर्ब दिख रहा, लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना। लेकिन यहां पर मेन वर्ब है क्या? किसको लेकर वर्ब, किसको वर्ब के तरह ट्रीट किया जा रहा है? यहां पर कौन सा काम हो रहा है? क्या यहां पर चलने का काम हो रहा है? यहां पर चलने का काम नहीं हो रहा है। यहां पर वॉकिंग कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि आई लाइक वॉकिंग, मतलब मैं चलना पसंद करता हूं। बट नो बडी इज वॉकिंग हियर, यहां पर कोई चल नहीं रहा है। तो वॉकिंग को हम कैसे वर्ब मान ले? वॉकिंग को हम वर्ब नहीं मान सकते हैं। वॉकिंग को हम वर्ब नहीं मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है, इसमें वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह ये जो बात है, इसे हम अच्छे ढंग से कहेंगे, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट डूइंग वर्ब। पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट डूइंग वर्ब, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का काम, वो वर्ब का काम नहीं करता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कि आइए इन सब एग्जांपल्स को देखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इन द वेस्ट क्या है? फ्रेज हो जाएगा। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। द रिंग, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड क्या है? यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये भी फ्रेज हो जाएगा, ये भी फ्रेज हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेन क्या है? यहां पर तो आप बोलिएगा कि यहां पर वर्ब है, वॉकिंग एक वर्ब है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि वॉकिंग वर्ब है या क्या है, आपको उसके मीनिंग को समझना है कि इस सेंटेंस में वॉकिंग, इस वर्ड को किस तरह से पढ़ा गया है। क्या इसे वर्ब के तरह से पढ़ा गया है या किसी नाउन के तरह से पढ़ा गया है? यहां पर वॉकिंग एक वर्ब नहीं है, इसलिए ये भी एक फ्रेज है। तो फ्रेज को अच्छे से समझने के लिए आप ये मत कहिएगा कि फ्रेज वो होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, बल्कि ये कहिएगा कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब का काम नहीं करता है। यहां पर वर्ब का काम नहीं हो रहा है, वर्ब है लेकिन वर्ब का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये फ्रेज है।
ये होता है अंतर। मतलब हम इसे और एक दूसरे ढंग से अगर बोलना चाहें तो हम इसे इस ढंग से ही बोल सकते हैं कि इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो फिनाइट वर्ब नहीं होता है, इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है नॉन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो भी आएगी, देख लीजिएगा। नॉन फिनाइट क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हर टॉपिक पे एक एक सेपरेट वीडियो इसमें बन जाएगा। नॉन फिनाइट में तीन टाइप के वर्ब्स आते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। जैसे कि यहां पर वॉकिंग है, वॉकिंग इज अ इट इज अ नॉन फिनाइट वर्ब। यहां पर ये वर्ब तो है लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो वैसे वर्ब जो वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करते हैं उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो फ्रेज को अगर गहराई से जानना है तो ये कहना होगा कि फ्रेज सेंटेंस का जो हिस्सा होता है उसमें वर्ब हो सकता है, लेकिन कौन सा वर्ब हो सकता है, नॉन फिनाइट वाला वर्ब हो सकता है, फिनाइट वर्ब कभी भी नहीं होगा। जैसे कि आप क्लॉज में आते हैं, क्लॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे कि फ्रेज का ये भी एक वाक्य का हिस्सा है। दैट हैज अ सब्जेक्ट दैट इज एक्टिवली डूइंग अ वर्ब, इसमें एक सब्जेक्ट होता है जो कि एक वर्ब का काम, जो कि एक वर्ब के साथ काम करता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्लॉज में मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन आपको फ्रेज में नहीं मिलेगा। बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्लॉज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए वर्ब तो आपको मिला लेकिन वर्ब तो वर्ब का काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए ये फ्रेज था। यहां पर देखिए द बॉय इज प्लेइंग, लड़का काम कर रहा है, वो खेल रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट है बॉय है और वो कुछ काम कर रहा है, वो प्ले कर रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब दिस इज अ क्लॉज। आई लुक्ड एवरीवेयर बट द कैट वॉज गॉन, आई लुक्ड एवरीवेयर मैंने हर जगह देखा, मैं क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, लुक्ड हर जगह देखा एक वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये एक क्लॉज हो गया, आई लुक्ड एवरीवेयर एक क्लॉज हो गया। और देखते हैं बट द कैट वॉज गॉन, कैट कैट की बात हो रही, कैट सब्जेक्ट है, कैट क्या हुआ चला गया था, जा चुका था, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ ना। मतलब यहां पर एक क्लॉज और दो क्लॉज, एक सेंटेंस में दो दो क्लॉज है, इस तरह से हमें देखना है कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर बैठ रहा है, जहां जहां कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वहां वहां पे क्लॉज है। अच्छा और एक बात कि फ्रेज और क्लॉज को लेकर एक बहुत ही मुख्य जानकारी ये है कि फ्रेज जो होता है उसका जो अर्थ होता है वो अधूरा होता है, लेकिन क्लॉज का एक पूरा अर्थ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसको सिर्फ देखिए, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट क्या है, कुछ अर्थ तो नहीं निकल रहा है, ये तो अधूरा है, वेस्ट में क्या, तो अधूरा सा है, लेकिन अगर हम कहें द बॉय इज प्लेइंग मतलब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये चीज सिर्फ एक क्लॉज में हो सकता है कि उसका एक अर्थ स्पष्ट निकलता हो लेकिन फ्रेज का एक स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दो तीन एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपकी जो डाउट्स है वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे, और आप अगर इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं इसका मतलब आप फ्रेज और क्लॉज में कभी नहीं फंसिएगा। स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, चलिए देखते हैं इसमें फ्रेज कहाँ है क्लॉज कहाँ है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब है, वर्ब को खोज लीजिए, तो वर्ब को खोजते हुए सिर्फ वर्ब को खोजते हुए हमें और चीज देखना है कि ये वर्ब जो है वर्ब का काम कर रहा है या नहीं। अगर वो वर्ब का काम कर रहा है तो वो एक क्लॉज है, अगर वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है तो वो एक फ्रेज है। लेट सी दिस, स्टूडेंट्स आर लुकिंग, बच्चे देख रहे हैं एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब देख रहे हैं, वर्ब मेरा वर्ब है, कौन है लुकिंग है, ये वर्ब का काम भी कर रहा है, हाँ देख रहे हैं, एक काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स आर लुकिंग, ये स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये मेरा क्लॉज हो गया। एट द ब्लैक बोर्ड, यहां पर सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है कॉम्बिनेशन नहीं है, एट द ब्लैक बोर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक अधूरा वाक्य अधूरा अर्थ निकल रहा है, इट मीन्स दिस इज अ फ्रेज, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक अधूरा मतलब निकले और जिसमें कि ये सारे चीज आए। चलिए अगला एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वर्ब को खोजिए, वर्ब को खोजिए, प्लेइंग प्लेइंग मिल गया, वर्ब मिल गया, यहां पर क्या वर्ब अपना वर्ब का काम कर रहा है, हाँ ही इज प्लेइंग वो खेल रहा है, खेल रहा मतलब वो खेलने का काम कर रहा है, तो कौन खेल रहा है, ही मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब ये हो गया क्लॉज। इन द फील्ड, इन द फील्ड वाक्य का दूसरा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है, एक एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक अधूरा मीनिंग है, मतलब ये क्या है फ्रेज है। तीसरा एग्जाम्पल, लुक एट द मैन सिटिंग ऑन द बेंच पार्क, देखो उस आदमी को जो कि पार्क के बेंच पर बैठा है,
जरा ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को एक बार। लुक एट द मैन सिटिंग ऑन द पार्क बेंच। यहां पर वर्ब कौन सा है? एक वर्ब है लुक, देखना, एक वर्ब है सिटिंग मतलब बैठना। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि इस वाक्य में क्या वो वर्ब की भूमिका निभा रहा है या नहीं। लुक एट द मैन सिटिंग ऑन द पार्क बेंच, तो लुक, देखो उस आदमी को जो कि पार्क के बेंच पर बैठा है, मतलब वो आदमी बैठने का काम यहां नहीं कर रहा, बस बैठा है। मेन आपको बोला जा रहा है कि देखो वहां पर, तो लुक हो जाएगा यहां पर मेन वर्ब। लुक एट द मैन हो जाएगा मेन वर्ब, लुक एट द मैन, मैन हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, लुक हो जाएगा वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया, ये हो गया क्लॉज। और पूरा हो जाएगा सिटिंग ऑन द पार्क बेंच, सिटिंग ऑन द पार्क बेंच। यहां पर सिटिंग तो है लेकिन सिटिंग जो वर्ब है वो एक वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल जैसे कि यहां पर था वॉकिंग जो था वो वर्ब का काम नहीं कर रहा था। तो ये हो जाएगा फ्रेज ऑन द पार्क बेंच, ये वाक्य का एक टूटा हुआ हिस्सा, इसका एक अधूरा अर्थ निकल रहा है, वो एक फ्रेज है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल्स के मदद से आपको फ्रेज और क्लॉज का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और भी इसी तरह के ग्रामर के कंसेप्ट्स को देखने के लिए आगे हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट्स में बताएं आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।